अब कुछ यूट्यूब वाले हम अच्छे भी बोलेंगे तो बुरा ही बोलेंगे, क्योंकि उनको 2000 में 2 करोड़ की फिल्म को बर्बाद करना है, और दो एक 12x12x13 के रूम में उन लोग डिसाइड ये करी थे। 4 जने के चक्कर में हमने के वो 12 करोड़ और 30 करोड़ जनता के दिल पर ठेस नहीं की पहुँचाएगी। हम लोग उन जनता के लिए काम करना है। इन लोगों को तो जीवन में 2000 रुपया कमाना है, पढ़ लिख के कुछ किए तो है नहीं, बस दुनिया को बस ज्ञान बांटने आते हैं ये, और ये ज्ञान के लिए ही बने हैं, तो इनको ज्ञान देने दीजिए। ये आप रामायण भी बोलिएगा तो इनको बुरा ही लगेगा, उस रामायण में भी इनको गंदा ही नजर आएगा, तो छोड़ दीजिए। ये जीवन में कुछ करने वाले नहीं है लोग, ये 2000 4000 5000 यही कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे वो अपना, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, क्योंकि इनको बड़ा नहीं बनना है, और जो बड़ा होता है उसका टांग खींचते हैं। तो इनके बिल्कुल चिंता मत करिए, तो हम कुछ भी बेहतर बोलेंगे तो इनके लिए बुरा ही होगा, तो बिल्कुल हटा दीजिए इन सब चीज़ों को। ये 4-5 लोग जो हैं ये उसी के लिए बने हैं, इनको ना भोजपुरी से लेना देना है ना भोजपुरी भाषा से लेना देना है, इनको अपने बस यूट्यूब से जो माल कमाना है उससे लेना देना है, ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अपने करियर में। तो ठीक है, ये 2000 के लिए 2 करोड़ की फिल्म को बुरा बोल सकते हैं, 30 करोड़ जनता को गलत बता सकते हैं कि आप गलत हैं, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? जिसको पता ही है कि हाँ वो गलत ही बोलेगा, तो उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं, नो प्रतिक्रिया। तो बस आप अपना ख्याल रखिए, और आप लोग मेरा बर्थडे मनाइए, और आप लोग प्यार दीजिए। इस बार थोड़ा सा हूँ परेशानी में, हूँ परेशानी नहीं बल्कि एक बेहतर सिनेमा SRK म्यूजिक का कर रहा हूँ, जो कि ये लोग दिल खोल के हर उस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं। प्यारा प्यारा लोकेशन, चाहे वो कितना भी पैसा लग जाए, प्यारा प्यारा फाइट सीक्वेंस से लेकर इतने बड़े कैमरे पे, जो कि बहुत कम ऐसी शूट होती है भोजपुरी फिल्म, लेकिन उन्होंने बहुत हाई क्वालिटी का कैमरा भी रखा है। तो बस प्यार दीजिए कि बेहतर सिनेमा करके आऊँ मैं यहाँ से, बस उसके बाद करेंगे ना।